हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं और पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट करा है। जैसे होते हैं ना टॉपिक्स, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या वो वापस आएंगे थर्ड पार्टी। और अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल को भी रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम, हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें? तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। फिर चाहे वो आपका मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, चाहे लगन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स एंड ट्रस्ट। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत रिजिड हो रहे थे, बहुत फिक्सेटेड हो रहे थे, बहुत अटैच हो रहे थे या फिर बहुत टाइटली पकड़ रहे थे, तो इस वीक कहीं देखिए आप थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हुए दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा अपनी ग्रिप को ढीला करते हुए दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा चीज़ों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ये सबके लिए डिफर कर सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए कोई काम करने का तरीका हो सकता है, कुछ के लिए थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कुछ के लिए टीम हो सकती है, कुछ के लिए कोई जॉब हो सकती है। अगेन, किसी भी चीज़ को लेकर आप फिक्सेटेड हो रहे थे, रिजिड हो रहे थे, अटैच हो रहे थे या फिर बहुत टाइटली उसको होल्ड ऑन कर रहे थे, तो इस वीक कहीं आप एक फ्लेक्सिबिलिटी लाते हुए दिख रहे हैं। कहीं आप थोड़ा सा, अगेन मैं कहूँगी, अपनी ग्रिप को लूज करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जो भी सर्फेस लेवल पर आप कर रहे हैं, कहीं डीपर लेवल के लिए ट्रस्ट का कार्ड कहता है कि कंप्लीट ट्रस्ट आप रखते हुए दिख रहे हैं, खुद पे, यूनिवर्स पे, जिस गॉड को आप मानते हैं उन पे, जो लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं उन पे। और देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस वीक आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है, पैसा कहीं आपके हाथ से निकल रहा है। और देखिए, ये खर्चा भी सबके लिए डिफर कर सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और कहीं खर्चा हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप फर्दर किसी और चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो देखिए, जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि पैसा आपके हाथ से जा रहा है और इसीलिए कहीं सरफेस लेवल पे जहाँ एक इनसिक्योरिटी, एक इंस्टेबिलिटी आप महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कहीं बहुत ज़बरदस्त एक ट्रस्ट भी आप रखते हुए दिख रहे हैं कि जो भी हो रहा है कहीं वो अच्छी चीज़ें ही फ्यूचर में आपके लिए लेकर आएगा। तो देखिए, ट्रस्ट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है लियोज, लेकिन जब हम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं या फिर इलॉजिकल तरीके से चीज़ों पे ट्रस्ट करते हैं, तब कहीं हम परेशान होते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप ओवर इमोशनल इस वीक ना हो या फिर ओवर लॉजिकल इस वीक ना हो। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ वांड्स, रिवर्स एंड कंट्रोल। और ये कार्ड्स कहते हैं कि स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में जो भी आप कर रहे हैं या फिर जो भी हो रहा है उसी से ही रिलेटेड आप कहीं नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। ये इश्यूज, ये मसले सबके लिए डिफर कर सकते हैं।
लेकिन ये कार्ड्स कहते हैं कि आप उतना कॉन्फिडेंस यू नो अपने लव्ड वंस अपने क्लोज वंस पे नहीं फील कर रहे हैं, या फिर खुद को लेकर ही कहीं उतना कॉन्फिडेंट आप नहीं रह रहे हैं। और कहीं देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके लव्ड वंस क्लोज वंस इतना कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं हो रहे हैं। और देखिए इन द प्रोसेस या तो आप बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हैं, आप बहुत पर्सनल फ्रंट में चीज़ों को लेकर हो रहे हैं, या फिर जो लोग आपके साथ हैं यानी कि आपके लव्ड वंस आपके क्लोज वंस वो थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं, वो थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, वो थोड़े से फिक्सेटेड हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेक करके चीज़ों को करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है लियोज। अगर आप बहुत रिजिड हो रहे हैं, आप बहुत फिक्सेटेड हो रहे हैं, तो आप यू नो एक फ्लेक्सिबिलिटी पर्सनल फ्रंट में भी लेकर आए जैसे कि आप प्रोफेशनल फ्रंट में कर रहे हैं। और अगर लोग कंट्रोलिंग हो रहे हैं तो आप उनको कंट्रोल करने के लिए अलाउ ना करें। देखिए जब तक हम अलाउ नहीं करते हैं तब तक सामने वाला हमें कंट्रोल नहीं कर पाता है, हमें डोमिनेट नहीं कर पाता है। क्योंकि जब हमें एक बारी वो कंट्रोल करता है, या मैं कहूँगी फर्स्ट टाइम हमें कंट्रोल करता है डोमिनेट करता है, और उसी टाइम अगर हम ये कन्वे कर देते हैं कि भाई हम बियॉन्ड द पॉइंट ये चीज़ को नहीं टॉलरेट करेंगे, या फिर ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी, तो देखिए नेक्स्ट टाइम वो ऐसा करते हुए दो बारी सोचते हैं, और दोबारा भी जब वो करते हैं और हम बहुत assertively बहुत प्यार से उनको फिर से कम्युनिकेट करते हैं कि भाई ये नहीं हम टॉलरेट करेंगे, तो तीसरी बारी उनकी हिम्मत नहीं होती है। और जब हम फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कन्वे नहीं करते हैं तो फिर देखिए उनकी आदत पड़ जाती है। और जब तक हमारा एक थ्रेशहोल्ड आता है, जब तक हमें रियलाइज़ होता है कि भाई अब टू मच हो गया है, अब हम ये चीज़ और नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तब तक थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि तब तक उन्हें आदत पड़ गई होती है। तो देखिए इस चीज का ख्याल इस वीक आप जरूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए द क्लिंगिंग का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि चाहे आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो चाहे आपका पर्सनल फ्रंट हो, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बहुत एक डिज़ायर आपके मन में आ रही है कि भाई इस चीज़ को तो हासिल करना ही करना है, ये चीज़ तो मिल ही जाए, तो आपने पॉज करके ज़रूर अपने आप से पूछना है कि ये डिज़ायर आपकी ठीक है, कहीं ये तो नहीं है कि इस डिज़ायर के चक्कर में आप अपना कोई नुकसान कर रहे हैं, या फिर एट द एंड ऑफ द डे जब ये चीज़ आपको मिल जाए तो आपको लगे कि भाई इतना भी यू नो वर्थ इट नहीं थी जितना आपने इस पे इन्वेस्ट किया, या फिर जितना आपने चीज़ों को लेट गो किया, या फिर यू नो कॉम्प्रोमाइजेज एडजस्टमेंट्स करे। देखिए ये कार्ड क्षमा और परवाने की कहानी बताता है, आप सब लोगों ने सुनी होगी, जब एक ठंडी अंधेरी रात में परवाने को क्षमा दिखती है तो जाहिर सी बात है परवाना क्षमा की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि क्षमा कहीं लाइट भी परवाने को दे रही होती है और एक वॉर्म्थ भी दे रही होती है, क्योंकि देखिए ठंडी काली रात है और परवाना जाहिर सी बात है क्षमा की तरफ जाता है। और इस प्रोसेस में कहीं परवाना इतना क्षमा के नज़दीक चला जाता है कि वो जल जाता है। और देखिए यहाँ पे क्षमा कहीं डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करती है और परवाना आपको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए डिज़ायर्स रखना बहुत अच्छी बात होती है, उनको परस्यू करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब हम इन डिज़ायर्स को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, या फिर इतना हम अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, सही गलत को नहीं देख पाते हैं, तब ये डिज़ायर्स हमें बहुत परेशान करती हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।